झारखंड में बीते कल 1 दिसंबर को हजारीबाग के मेरू में बीएसएफ के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के विधायक और सांसद शामिल हुए। इस पर अब झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो ने भाजपा पर निशाना साधा है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीएसएफ का कार्यक्रम में ऐसा लग रहा था कि शाह के आसपास राजनीतिक पार्टी का जमावड़ा है। सुप्रियो ने कहा कि इस राजनीतिक पार्टी का जमावड़ा किसी सिविल लैंड में देखने के लिए मिलता तो अच्छा लगता। ऐसी मुलाकातों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस बने हुए हैं, वहाँ राजनीतिक व्यक्तियों का जमावड़ा अच्छा लगता है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी सैन्य परिसर का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। सुप्रियो ने कहा कि राज्यपाल भी गृह मंत्री से मिलने हजारीबाग पहुंचे। वही सुप्रियो ने HEC के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में PM, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री झारखंड आए, लेकिन खस्ता हाल HEC का दौरा किसी ने नहीं किया। उनको मालूम है कि अगर हम वहां गए तो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। अब सुप्रियो के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमा की सुरक्षा बलों पर अपना घटिया राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। प्रतुल ने कहा कि पूरे देश को इस बात का गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल BSF अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन झामुमो इस पर भी अपनी सियासत करने से बाज नहीं आया। प्रतुल ने कहा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था और कार्यक्रम में भाजपा के सांसद विधायक आमंत्रित थे जिन्होंने शिरकत की थी। प्रतुल ने कहा कि राजनीति की एक मर्यादा होती है जिसमें सेना और सुरक्षा बलों को राजनीति में नहीं घसीटा जाता, लेकिन कभी कांग्रेस सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाती है तो कभी झामुमो सुरक्षा बलों के कार्यक्रमों पर अपनी ओछी टिप्पणी करने से बाज नहीं आता। झारखंड में अपनी होने जा रही हार को भांप कर झारखंड मुक्ति मोर्चा सारी राजनीतिक मर्यादाओं को भूल गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द4thpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।